पांच लिंग। बच्चों आज हम पढ़ेंगे लिंग। मैम यह तो हम जानते हैं। मैम यह तो हम जानते हैं। हाँ पर आज मैं इसे और विस्तार से समझाऊंगी। हिंदी में दो लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाएं वे स्त्रीलिंग तथा जो पुरुष जाति का बोध करवाएं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द अपने स्वभाव से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कुर्सी निर्जीव है तथा स्त्रीलिंग मानी जाती है। पहाड़ निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। सजीव खरगोश का हमेशा पुल्लिंग रूप में तथा मछली का स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है। लिंग स्पष्ट करने के लिए नर खरगोश या नर मछली तथा मादा खरगोश या मादा मछली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगता है, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, डॉक्टर मरीज देखकर बाहर आएंगी, राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची हैं, डॉक्टर घर जा चुके हैं। लिंग परिवर्तन। हिंदी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाया जाता है, आ प्रत्यय। कुछ अकारांत शब्दों के पीछे आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, शिष्य शिष्या, मूर्ख मूर्खा, पात्र पात्रा, सदस्य सदस्य। ई प्रत्यय। कुछ शब्दों के अंत में आ की जगह ई का प्रयोग करते हैं, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी। इका प्रत्यय। शब्दों के अंत में अक को इका में बदल दिया जाता है, सेवक सेविका, याचक याचिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। वती या मती प्रत्यय। वान या मान शब्दांशों को वती या मती में बदला जाता है, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। इया प्रत्यय। कुछ शब्दों में आ हटाकर इया जोड़ दिया जाता है, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, चूहा चुहिया, खाट खटिया। नी प्रत्यय। कुछ शब्दों में नी अथवा इनी लगाया जाता है, जाट जाटनी, हंस हंसिनी, मोर मोरनी, तपस्वी तपस्विनी। आनी या आणी प्रत्यय। कुछ शब्दों में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनाते हैं, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, रुद्र रुद्राणी। इन प्रत्यय। इनमें इन शब्द जोड़ा गया है, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन। आइन प्रत्यय। यहाँ अंतिम स्वर को हटाकर उसके स्थान पर आइन जोड़ा गया है, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप
दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं। सम्राट साम्राज्ञी, भाई बहन, कवि कवयित्री, वर वधु, युवक युवती, बिलाव बिल्ली, बैल गाय, पुरुष स्त्री।